हेलो स्टूडेंट माई सेल्फ रिंकेश सी एल सी सीकर से जैसा कि आपको पता है कि 25 सितंबर से अपनी मिड सेशन डी स्टार्ट हो रही है इस कंपनी डी को थ्री पार्टों में डिवाइड किया गया थ्री स्लोट्स फर्स्ट स्लोट के अंदर अपने टॉपिक वाइज पेपर होंगे जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री में तीनों इनवेल्ट हर पेपर में स्टार्टिंग में मैथेमेटिक्स के थर्टी क्वेश्चन है आफ्टर दैट फिजिक्स आफ्टर दैट केमिस्ट्री ठीक है और हर संडे को जो भी आपके वीक में दो पेपर होंगे उनका फुल सिलेबस का पेपर होगा जो फर्स्ट और सेकेंड मेडसेशन में आएगा उसका मेन्स का पेपर भी होगा और एडवांस का उसके बाद जो स्लो टू होगा अपना भाई स्टार्टिंग में जो स्लोट बने वो कम से कम आपका वन एंड हाफ मंथ चलेगा उसके बाद स्लो टू के अंदर वही उसी प्रोसीजर के अंदर कुछ टॉपिक्स को कंबाइंड करके स्लोट टू के अंदर अगेन आपके जेई मेन्स के पेपर होंगे उनकी क्वालिटी थोड़ी इंप्रूव की जाएगी फिर उसके बाद दिसंबर एंड के बाद आपके जनवरी में अगेन स्लोट थर्ड के पेपर स्टार्ट होंगे इस तरीके से पूरी जो मिड सेशन टेस्ट सीरीज को थ्री पार्टों में डिवाइड किया गया स्लॉट वन स्लोट टू स्लोट थ्री ये हर सब्जेक्ट में एप्लीकेबल है ठीक है तो आप अच्छे से पढ़ाई करें और जनरली मेरे अकॉर्डिंग आपको सभी स्टूडेंट को अपना जो पी वाई क्यू है टू थाउजेंड नाइनटीन से लेकर टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर तक इसको आप ढंग से पढ़ाई करें इसकी ठीक है तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स का ये पेपर वन है जो 25 सितंबर को हो रहा है तो ध्यान दें इसको दो सेक्शन में डिवाइड किए गए सेक्शन में टोटल ट्वेंटी क्वेश्चन है वो इट इज जो अपना जेम का पैटर्न होता है तो देखो हाँ फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इफ एंड बीटा आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन

और बीटा को अल्फा रिप्लेस करने से एक्सप्रेशन डज नॉट चेंज तो एलसी मेने पर जाएगा अल्फा माइनस एल्फा बीटा स्क्वायर प्लस बीटा माइनस एल्फा स्क्वायर बीटा पोन वन माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर प्लस एल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर तो न्यूमीटर में जान दो एक तो आ गया अल्फा प्लस बीटा और अगले ब्रैकेट में आ गया माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर बीटा तो इन दोनों में आप कॉमन ले सकते हो अल्फा बीटा तो ब्रैकेट में आ गया अगेन तो रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट की फॉर्मेट में लिख सकते हैं एल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा प्लस एल्फा स्क्वायर इधर अल्फा प्लस बीटा की इन सब में अल्फा बीटा की वैल्यू को रिप्लेस कर दो अल्फा प्लस बीटा आपको गिवन है थ्री बाई सेवन और अल्फा बीटा की वैल्यून माइनस के टू बाई से जैसे आप इन वैल्यूज को इसमें रिप्लेस करोगे तो देन वी विल गेट फोर्थ ऑप्शन ठीक है तो कैलकुलेशन आप कर सकते हो हाँ उसके बाद देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है ये क्वेश्चन आपका लोकेशन रूट्स का है बोथ रूट्स ऑफ क्वार्टिक इक्वेशन

वन टू फाइव में आपको है। तो इसमें कंडीशन लगा दो इसमें टोटल थ्री कंडीशन लगाओगे एक तो लिखोगे करोगे एम प्लस वन एम प्लस फोर इंटू एम माइनस फोर तो इसका सोल्यूशन आ जाएगा एम बिलोंगिंग टू माइनस इंफिटी से माइनस फोर यूनियन फोर टू इनफिनिटी ऐसे ही नेक्स्ट कंडीशन क्या होगी जो पैराबोला का वर्टेक्स है इसका जो एक्स है वो लाइज बिटवीन टू तो नेक्स्ट कंडीशन अप्लाई करोगे माइनस के बीवाई टू इज लाइज बिटवीन वन टू फाइव इसमें बी कीजिएगा क्या माइनस एम तो प्लस एम हो गया ए आपका वन है इसको हटा दो और टू से मल्टीप्लाई करने पे जाएगा टू से लेके

और एक कंडीशन तो और, और इन फोर कंडीशन का क्या लोगे इंटरसेक्शन तो फाइव से लेस ट्वेंटी फाइव 5 5 से ग्रेटर है तो इन दोनों का कॉमन आ गया फाइव से लेस और फोर से ग्रेटर और ये टेन से लेस तो अल्टीमेटली इसका जो कॉमन पार्ट है वो क्या जाएगा फोर से फाइव तो देन आपको इसका फर्स्ट ऑप्शन फिल करना है हाँ उसके बाद थर्ड क्वेश्चन क्या है एक मोडलस इक्वेशन को सोल्व करना है रूट्स ऑफ़ इक्वेशन दिस पार्ट इज तो ध्यान दो सभी देखो दोनों पार्ट इसमें सेम है टू एक्स माइनस वन का मोड़ तो अपन एक काम कर सकते हैं हम टू एक्स माइनस वन का जो मोड़ है इसको टीलेट कर देते हैं तो दिस इक्वेशन कैन बी रिटर्न टी थ्री टी प्लस टू इक्वल टू जीरो रिमूव कर दिया इसके फैक्टर क्या हो गए टी वन एंड टू इसके दो रूप जाएंगे अब टी की जगह पुट कर दो तो एक तो आ गया टू एक्स माइनस वन का मोड इक्वल टू वन और अगला जाएगा टू तो मोड को जाएगा प्लस माइनस तो ये आ गया टू एक्स माइनस वन इक्वल टू प्लस माइनस वन और प्लस माइनस टू तो फाइनली जब आप फर्स्ट में लोगे टेकिंग प्लस या टेकिंग 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 माइनस तो प्लस प्लस अब वो लिख सकते हो आप पे एक तो आगे एक्स इक्वल टू वन और इधर माइनस लेने पे एक्स इक्वल टू हो जाएगा जीरो ऐसे उधर प्लस लेने पे आ जाएगा थ्री बाई टू और माइनस लेने पे जाएगा माइनस क्या तो देन इसका फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा एक सिंपल सा क्वेश्चन था हाँ उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन देखो इफ टू साइन पाई बाई एट इज रूट ऑफ द इक्वेशन ये जो टू साइन पाई बाई एट है इस क्वार्टिक इक्वेशन का एक रूट है वेयर ए एंड बी आर रेशनल नंबर जिसमें ए और बी क्या बोले गए रेशनल नंबर देन ए माइनस बी तो ध्यान दे सभी ये जो एक रूट गिवन है इसको मैंने अल्फा लेट किया हम काम करते हैं इसमें की वैल्यू लिखते हैं तो आपको पता होना चाहिए हम साइन स्क्वायर को लिख सकते तो तो इसका एक रूट आ गया वन माइनस के वन बाई रूट टू अब आपको आइडिया होना चाहिए कि अगर किसी भी इक्वेशन के जो रूट्स हैं सॉरी किसी भी इक्वेशन के अगर कोफिशन क्या हो रेशनल नंबर और एक रूट क्या हो आपका Irrational. तो उसका दूसरा रेट भी क्या होगा टू अल्फा प्लस बीटा टू तो अल्फा प्लस बीटा टू करने पर जाएगा माइनस टू एक, एक वैल्यू तो आ चुकी है माइनस बारी आती है ऑफ रूट की तो जैसे आप अल्फा वीटा का प्रोडक्ट करोगे तो दिस इज बी तो दोनों का मल्टीप्लाई करने पे क्या जाएगा वन माइनस वन माइनस आ वन बाई टू तो इससे बी आ जाएगा वन बाई टू बी तो आगे वन बाई टू ए आगे माइनस टू तो ये वैल्यू पूछ रहा है ए माइनस बी की तो माइनस टू माइनस आ तो कितना जाएगा माइनस के फाइव बाई टू तो इसका फर्स्ट ऑप्शन आपको फिल करना है हाँ उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन देखो ये ठीक क्वेश्चन है इफ दी रूट्स ऑफ दी गिवन इक्वेशन आर रियल ये कह रहा है इसके रूट्स अगर रियल है तो पी की वैल्यू क्या हो सकती है तो रूट्स रियल कब होंगे जब इसका डी ग्रेटर देन जीरो होगा या इक्वल टू हो सकते हैं तो इसका डी जाएगा बी दिस इज कोस स्क्वायर पी माइनस फोर ए सी ए कितना है कोस पी माइनस वन तो यह आ गया कोस पी माइनस वन इन टू साइन पी अब देखो इसको सिंप्लीफाई करना कैसे है हम एक काम करते हैं इसमें से माइनस को कॉमन लेते हैं तो यह जाएगा इसका बेनिफिट क्या ध्यान दो कोश प्लस फोर वन माइनस कोस पी इंटू अब ध्यान दे सभी देखो इसको अपन वाई ऑप्शन करेंगे तो ज्यादा बेटर है हमारे लिए देखो पी अगर आपका फर्स्ट और सेकेंड क्वार समझो कोश स्क्वायर पी की वैल्यू हमेशा कैसी होती है पॉजिटिव

थ्री पावा टू लेने पर तो जीरो आ गया थ्री पावा टू लेने पर वन बन जाएगा के बन तो इसका तो तो इसके रियल नहीं होंगे, बन जाएंगे, पी बिलोंगिंग टू क्या है जीरो से पाई आंसर इसका। हाँ क्वेश्चन देखो आपको एक क्वार्टिक फंक्शन के मन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी ए b रियल नंबर है अब एक कंडीशन है एफ ऑफ वन प्लस एफ ऑफ टू प्लस एफ ऑफ थ्री जीरो दो तरीके क्या करते हैं एफ ऑफ वन की वैल्यू के लिए क्या हैं? X करते हैं एक्स को वन पुट करते हैं ए प्लस बी प्लस वन ऐसे टू रिप्लेस करने पा जाएगा फोर प्लस टू ए प्लस बी और ऐसे थ्री रिप्लेस करने पे जाएगा नाइन प्लस प्लस बी और इसको जीरो करके ए रिलेशन आ गया फिर बच्चे क्या करते हैं? इसका कर तो कर तो कर कर चेक आप एक बार ध्यान दो वन टू थ्री पे जो फंक्शन का आउटपुट है जीरो आ रहा है तो इसका मतलब क्या होगा एफ ऑफ वन एफ ऑफ टू एफ ऑफ थ्री जो है वो तीनों ना तो नेगेटिव ना पॉजिटिव हो सकते हैं मतलब अल्टीमेटली एफ ऑफ वन एफ ऑफ टू एफ ऑफ थ्री में से एटलीस्ट वन इज पॉजिटिव ये एटलीस्ट वन इज नेगेटिव कैसे बोल दो तो ये वन है ये टू है ये थ्री है अगर ये पॉजिटिव आ गया इस पर नेगेटिव आ गया इस पर पॉजिटिव आ गया तो डायग्राम ऐसा बनेगा किसी ने बोला नहीं आप तो कंटिन्यूस दो पे पॉजिटिव मानो फिर नेगेटिव मानो तो ये लो डायग्राम बना लो किस तरीके से तो अल्टीमेटली इसके रूट हमेशा रियल और ही होंगे तो इसको वाई ऑब्जर्वेशन करोगे आप थोड़ा सोच के तो ज्यादा बेटर है तो इसका फोर्थ ऑप्शन मैच कर जाएगा क्वेश्चन क्या ध्यान दो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स आपको एक्स वाई में एक सेकंड डिग्री की इक्वेशन के बना और ये क्या कह रहा है हैज टू फैक्टर देन वैल्यू ऑफ एम विल बी अगर इस सेकंड डिग्री के दो क्या हो रेशनल फैक्टर तो आपको एम की वैल्यू बतानी है तो ये आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको सेक, मैं आपको हिंट दे देता हूं तरीका क्या आपको है आपको सेकंड डिग्री ए एक्स स्क्स एक्स वाई प्लस बीवाई स्क्स टू जी एक्स प्लस टू ए दिस इक्वेशन कैन बी रेसोल्ड इंटू टू रिश्वनल फैक्टर या टू लीनियर फैक्टर अब इसका प्रूफ भी करते हैं अपन तो अगर इसके दो लीनियर फैक्टर हो

तो आपको एम की वैल्यू मिल जाएगी ठीक है तो आप एक काम करना इसमें ए की जगह वन बी की जगह जीरो सी को रिप्लेस करना माइनस थ्री एच का मीनिंग एक्स वाई के कॉफिशन का हाफ वन और जी का मीनिंग क्या था एक्स के कॉफ्यूशन का हाफ तो अगेन वन और एफ का मतलब वाई के कॉफ्य का हाफ तो एम बाई टू इन सबको रिप्लेस करके जैसे आप क्या करो डिटर्मिन को सोल्व तो एम में क्या बनेगी क्वाड्रेटिक तो आपको एम की टू वैल्यूज मिल जाएंगी ठीक है ना नेक्स्ट क्वेश्चन दी वैल्यू ऑफ बी फोर विच वन रूट इन कॉमन इन दोनों क्वाड्रेटिक का एक रूट कॉमन है तो आपको बी की वैल्यू बतानी है तो देखो क्या करो आप ये लेट कर लो कि लेट इनका कॉमन रूट अल्फा है तो अल्फा क्या करेगा दोनों को सेटिस्फाई भाई एक ऑप्शन तो क्या है कि आप इसमें लगा सकते हो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नो प्रॉब्लम हम इसको एक काम करते हैं एलिमिनेशन से सोल्व करते हैं अब क्या आप करो सीधा फर्स्ट में सेकंड को माइनस कर दे आपको अल्फा की वैल्यू मिलेगी तो अल्फा स्कोर कट गया अल्फा लेने पे आ गए वन, वन, उधर जाके बी प्लस वन। तो अल्टीमेटली इससे अल्फा की वैल्यू आ चुकी है बी प्लस वन अपन बी माइनस अब आप क्या करोगे किसी भी एक, एक में अल्फा की वैल्यू को रिप्लेस करो अल्फा की वैल्यू को सेकंड में पुट करने पे आ जाएगा बी प्लस वन अपोन बी माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस बी प्लस वन अपोन बी माइनस वन प्लस बी इक्वल टू जीरो अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके जैसे क्या करोगे सिंप्लीफाई तो बी में क्या बनेगी क्यूबिक अब मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं एक तो बी की वैल्यू आने वाली जीरो और एक बी स्क्वायर आने वाला बेटा माइनस की तो इससे बी आ गया प्लस माइनस रूट थ्री आया तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर देना है तो बी

तो तो आपको P square minus की बतानी भी नहीं मिली तो आप एक काम करो इस सेकेंड इक्वेशन के अकॉर्डिंग जाएगा मोड अल्फा प्लस मोड इज़ माइनस पी और मोड अल्फा मोड बीटा जाएगा क्यू अब आपको पी स्क्वायर माइनस एट क्यू की बतानी है मिनी वैल्यू तो जब भी किसी भी एक्सप्रेशन की बतानी है मिनी वैल्यू तो अपन ट्राई करते हैं उसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करने की अदरवाइज सब पे क्या होगा डिपेंडेंट तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा क्वेश्चन हमारे लिए तो अपन एक काम ये करते हैं इससे पी की और क्यू की वैल्यू पुट कर देते हैं तो पी की वैल्यू पुट करने पा जाएगा मोड अल्फा प्लस मोड बीटा का होल स्क्वायर माइनस एट मोड अल्फा मोड बीटा अब एक बात केयरफुली सुने देखो क्वेश्चन में ऑलरेडी लिखा गया बी पॉजिटिव तो जान देना बी पॉजिटिव है तो दिस पार्ट नेगेटिव तो अल्फा बीटा का प्रोडक्ट नेगेटिव आ रहा है तो हंड्रेड परसेंट जो अल्फा बीटा है इसमें से एक वैल्यू नेगेटिव होगी और एक वैल्यू पॉजिटिव तो मान लेते लेट अल्फा हमारे लिए पॉजिटिव है बीटा नेगेटिव देखो तो अगर ऐसा मान लिया तो अल्फा प्लस के साथ ओपन करोगे बीटा माइनस के साथ तो ये आ गया एल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस एट एल्फा बीटा तो ओपन करने पर जाएगा एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस तो प्लस सिक्स अल्फा बीटा अब इसको ओपन क्या करें सिंगल वेरिएबल बनना है तो अभी भी सिंगल वेरिएबल में नहीं है तो इसको दोबारा और इसको बना दो तो ये आ गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस फोर बीटा ठीक अब एक काम करो ना अल्फा प्लस बीटा की जगह रिप्लेस कर दो बी और अल्फा बीटा की जगह माइनस बी तो ये इक्वेशन आपकी कन्वर्ट हो जाएगी जान देना बी फोर बी। और अब ये बन जाएगा परफेक्ट स्क्वायर किसका बी माइनस टू का होल स्क्वायर माइनस फोर देखो गौर से अब बताओ होल स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू क्या होती है जीरो बी को जब टू लोगे तो मिनिमम जीरो आ गया तो कितना आंसर जाएगा माइनस के फोर तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी माइनस फोर तो इसका सेकंड ऑप्शन आपको फिल करना है क्वेश्चन देखो ये एक इरेशनल इक्वेशन को सोल्व करना है नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन तो देखो सबसे पहले तो कंडीशन की बात करो ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव तो x क्या होगा पॉजिटिव फर्स्ट ऑफ ऑल तो x आपका पॉजिटिव आएगा उसके बाद रूट की कंडीशन रूट के अंदर वाला पार्ट क्या होगा पॉजिटिव

तो इसके माइनस से जब मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो न्यूमीटर में तो क्या बन जाएगा एक्स माइनस के वन वाई एक्स और ये आगे माइनस वन माइनस के वन वाई एक्सान देख कंडीशन हमारी एक्स वन से ग्रेटर होना चाहिए एक्स क्या वन से ग्रेटर और अपोल में क्या जाएगा रूट ऑफ एक्स माइनस के वन वाई एक्स

ठीक है अब इसके बाद देखो इसको करने का तरीका दे एक ऑप्शन तो लेफ्ट में तो लेके तो तो इसकी सीधी क्या कर दो आप स्क्वायरिंग स्क्वायरिंग करने से एक्स में क्या बनेगी तो आपको एक्स की दो वैल्यू मिलेगी जो एक वैल्यू है वो तो क्या आने वाली वन से लेस तो वो तो हो जाएगी रिजेक्ट और एक वैल्यू क्या से ग्रेटर तो देन इसका आपको केवल

हाँ, एक काम करें इसको कौन बार बार लिखेगा इन दोनों को ठीटा मान लो तो ये आ गया ऑफ रूट तो आ गया सेक्वायर ठीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू माइनस के बाय और दोनों का मल्टीप्लाई जाएगा सेक स्क्वायर ठीटा इन टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सी बाय अब देखो इसको करने का तरीका क्या है

बी वाई टू ए माइनस वन इक्वल टू सी वाई देखो बेटा जैसे आप इसका एलसीएम लोगे तो देखो बेनिफिट क्या होगा ये तो आ गया ए माइनस बी माइनस टू अल्टीमेटली आ गया माइनस ए माइनस बी और अपन में आ गया फोर ए स्क्वायर तो ए के कैंसिल हो गया तो अल्टीमेटली आ जाएगा फोर ए सी एक काम करो माइनस को कॉमन लेके राइट right में शिफ्ट कर दो तो लेफ्ट में आ गया ए प्लस बी इन टू ए माइनस बी जिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो आपको इससे क्या मिलेगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जाएगा बेटा माइनस के फोर ए सी अब एक काम ये करें तो भी करते हैं, A C में रिलेशन आने के लिए तो ये बन जाएगा फोर ए स्क्वायर माइनस के फोर ए सी प्लस के सी स्क्वायर देखो ये वैल्यू और ये दोनों सेम है तो इसका फिर आंसर आपको क्या करना है वन फिल कर देना है तो इसका

प्लस के एक्स प्लस टू ट्वेंटी फाइव इक्वल टू जीरो अब देखो कैसे करेंगे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ये आपको आना चाहिए इसके फोर रूट्स में एपी में तो अपन एक काम करते हैं एपी में चार वैल्यू ऐड कर लेते हैं ए माइनस थ्री डी ए माइनस डी ए प्लस डी एंड ए प्लस थ्री डी इन सबका सम करोगे तो क्या आगे फोर ए जो इधर जीरो है सम ऑफ रूट क्या जीरो फोर ए जीरो लेने पे ए तो आगे जीरो हटाओ स्को को एको। ए जीरो लेने पर अल्टीमेटली ये तो रिमूव हो गया इसमें से तो अल्टीमेटली आपके रूट क्या माइनस थ्री डी माइनस डी डी एंड थ्री ऑफ डी उसके बाद कर दो प्रोडक्ट रूट तो इन चारों का मल्टीप्लाई ये करना है तो इन चारों का मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस ये आ गया नाइन डी फोर इक्वल टू टू ट्वेंटी फाइव दिस इज डी की पावर फोर आ गया ट्वेंटी फाइव तो इससे डी मिल जाएगा मतलब अल्टीमेटली डी टू आ गया फाइव ऐसे रहने दो उसको। अभी क्या पूछ रहे वैल्यू ऑफ क्यू तो वैल्यू क्यू का मतलब क्या है? दो है, दो-दो के product का summation. मतलब सिग्मा, बीटा आपका Q आ गया? अब देखो ध्यान दे, तो दो-दो के में कितने होंगे, मतलब तो एक काम करो एक बार माइनस थ्री डी को इन सब से मल्टीप्लाई करो तो कितना जाएगा बोलो माइनस थ्री डी माइनस के डी थ्री डी स्क् माइनस के थ्री डी

क्वेश्चन हाँ, थर्टीन देखो इफ सम ऑफ दी देशन के जो मिनिमम करना है, प्लस बीटा स्क्वाई मान लेते जब ये वैल्यू आपकी मिनिमम हो तो बताओ अल्फा इज तो ध्यान दें जब भी क्वार्टिक के रूट गिवन है और किसी भी एक्सप्रेशन की बात करें आपसे तो सबसे पहला काम है उसको सम ऑफ रूट और Root में करना कन्वर्ट तो ये आ गया अल्फा प्लस बीटा का टू अल्फा बीटा तो अल्फा प्लस बीटा कितना है sin alpha minus two, minus का तो नहीं पड़ेगा तो square, two, ये तो ये ये आ गया का वन है सॉरी गलत माइनस टू अल्फा बीटा की सी अपने तो प्लस आ गया वन प्लस अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो

देखो इसको कैसे करना है थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन है देखो इसको मल्टीप्लाई करोगे ना तो आ रहा फंक्शन है है। तो मानते हैं इसको समझने के लिए। इसको है देखो कुछ बच्चे क्या करते हैं इसको मल्टीप्लाई करते हैं इसको प्रॉपर क्या करते हैं क्वालिटी की फॉर्मेलिटी डी चेक करते हैं बट वो, कर तो वो लेंथी प्रोसीजर है हम क्या करेंगे इसका डायग्राम हम एक काम करते हैं साइन अल्फा को एलेट कर लेते हैं साइन बीटा को भी और साइन गामा को सी तो अल्टीमेटली हमारा क्वेश्चन आ गया एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी प्लस एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी प्लस एक्स माइनस सी इंटू एक्स माइनस ए और ध्यान दें जीरो से पाई बाई टू में साइन आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है अल्फा बीटा गामा तो ए से लेस बड़ा बी होगा बी से बड़ा सी क्योंकि तो साइन की वैल्यू बढ़ती है जीरो से फायर टू में अब एक काम करो आप ए बी सी पे वैल्यू चेक करो एफ ओफ ए लेने पर फर्स्ट और थर्ड जीरो बन जाएंगे तो ये आ गया A -B, A -C. A -B में बी B ग्रेटर है तो नेगेटिव सी ग्रेटर तो नेगेटिव 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 पॉजिटिव अल्टीमेटली एफ ऑफ ए पॉजिटिव आ रहा है सिमिलरली बी लेने पे फर्स्ट और सेकंड जीरो बी माइनस सी नेगेटिव बी माइनस से पॉजिटिव तो मल्टीप्लाई क्या गया नेगेटिव और सिमिलरली एफ ऑफ सी की वैल्यू अगेन क्या आने वाली इससे पॉजिटिव लेने पे ये दोनों तो जीरो सी माइनस ए पॉजिटिव सी माइनस बी पॉजिटिव मल्टीप्लाई पॉजिटिव ये पता चला कि एफ एक्स है उसमें थ्री एक्स स्क्वार आने वाला है मतलब इसका डायग्राम बनेगा वर्ड पैरा हो ये ए हो गया ये बी और ए सी ए पे वैल्यू सी पे वैल्यू पॉजिटिव है और बी पे वैल्यू नेगेटिव कहीं भी मान सकते हैं रैंडमली तो होता है अवर्ड पैराबोला ऐसे बनेगा नहीं बनेगा तो फाइनली इसका एक रूट ये आ गया एक रूट ये आप इससे जो दोनों रूट हैं तो ये तो पता चलेगा कि इसके रूट क्या होंगे रियल अनइक्वल रियल और अनइक्वल और साथ की साथ रूट्स की लोकेशन पता चल चुकी है का मतलब क्या था साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा अब एक बार बताओ

तो मल्टीप्लाई करने पे दोनों पे स्क्वायर आ गया तो इसका मतलब क्या परफेक्ट स्क्वायर तो फर्स्ट केस तो आ गया बोथ इक्वेशन हैव कॉमन रूट इन दोनों के दोन रूट क्या होंगे कॉमन तो अगर क्वार्टिक के बोथ आर कॉमन तो कंडीशन क्या होती है ए वन अपॉन ए टू इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू तो क्या जाएगा वन अपॉन वन इक्वल टू माइनस के प्लस टू अपॉन के इक्वल टू माइनस के टू के अपॉन टू के माइनस फोर तो ध्यान दें जब इन दोनों को सोल्व करोगे तो टू के इक्वल टू टू आ गया तो के बना दिया. सिमिलरली फर्स्ट को थर्ड के साथ सोल्व करो तो इससे भी क्या आ गया फोर के इक्वल टू फोर तो के इक्वल टू दोनों से के, के वैल्यू सेम आ रही है मतलब जब के को बन लोगे, तो इन दोनों क्वार्ट के बहुत वर, तो होल आ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा परफेक्ट स्क्वायर सेकेंड क्या हो सकता है ध्यान दो अगर इनका एक रूट कॉमन हो तो वन रूट कॉमन से बात नहीं मिल सकती एक रूट अगर कॉमन आ गया तो बात ही मिल सकती इसका दूसरा तरीका क्या है इसका डी जीरो हो, इसका डी जीरो बोथ रूट आर इक्वल अल्फा इसका अल्फा अल्फा इसके बीटा बीटा तो आप एक काम करोगे फर्स्ट का डी वन जीरो करो एंड सेकेंड का डी टू जीरो करो फर्स्ट का डी वन जीरो करने पे क्या आ गया माइनस टू का होल स्क्वायर माइनस प्लस एट के इक्वल टू जीरो तो जाएगा के स्क्वायर प्लस फोर के प्लस फोर इक्वल टू जीरो तो माइनस के टू अब सेकेंड का भी डी जीरो करोगे आप तो देखो सेकेंड का डी जीरो करते हैं तो इससे आ गया के स्क्वायर माइनस फोर टू के माइनस फोर जीरो तो बेटा ही आ रहा है के स्क्वायर माइनस एट के प्लस सिक्सटीन जीरो मतलब इससे के इक्वल टू फोर आ गया इससे तो के आ रहा है माइनस टू इससे K, 4. मतलब अन इक्वल वैल्यू के वैल्यू सेम आनी चाहिए हाँ अगर के की वैल्यू सेम आती से इससे थ्री मान लो दोनों से तो फिर इसके दो आंसर आते तो अभी इसका एक ही आंसर बनना है नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ के तो इसका वन आंसर है बट लॉजिकली करना क्या है इन दोनों का मल्टीप्लाई परफेक्ट स्क्वायर आना है तो दोनों क्वार्टिक के बहुत बीटा तो कॉमन रूट सेम हो इसके अल्फा बीटा बीटा तो होल आ गया तो आगे नहीं क्या बन जाएगा परफेक्ट स्क्वार हांसटीन क्वेश्चन देखें ये बोल रहा है कि इफ वन बाई टू लाइज बिटवीन द रूट ऑफ दी इक्वेशन ये क्वार्ट क्वेश्चन के बने 1 बाई टू इस क्वार्टिक के रूट्स के बीच में लाई कर रहा है तो थीटा का कंप्लीट सेट बताना है π बाई टू से 3π पाई बाई में तो सिंपल क्वेश्चन है तो ये अबड़ क्वार्टिक है ऐसे 1 बाई टू बिटवीन दी रूट्स तो पढ़ा हुआ आपने एफ ऑफ हाफ की वैल्यू क्या होगी नेगेटिव तो अल्टीमेटली इस फंक्शन में x को हाफ पुट करके जीरो लेस कर दो तो एक्स को हाफ लेने पर आ गए सिक्स अपॉन फोर प्लस कोस माइनस साइन स्क्वास एन जीरो सोल्व करते हैं ये भी अल्टीमेटली थ्री बाई टू आ गया टू से मल्टीप्लाई करने पड़ जाएगा थ्री प्लस थ्री कोस ठीटा माइनस टू सिंगल टेक्नोवेटी में लाने के लिए साइन स्क्वार ठीटा बोले दो वन माइनस को स्क्वा टीटा लेस एन जीरो सोल्व करने पर क्या जाएगा टू को स्क्वा टीटा इससे आगे थ्री कोस टीटा और ये आ गया प्लस थ्री माइनस टू प्लस वन इक्वल टू ये वन लेस देन जीरो इसके फैक्ट हो जाएंगे आपके तो फैक्टर देता हूं मैं डायरेक्ट आपको एक फैक्टर तो आ गया इसका टू कोस थीटा प्लस वन और एक फैक्टर जाएगा कोस थीटा प्लस वन लेस देन जीरो क्वेश्चन में पाई पावा टू से थ्री पाइवा टू बोला गया ध्यान देना और थीटा की वैल्यू माइनस आपसे माइनस वन की बिटवीन लेनी है आपको नंबर सकते हो आप ऐसे समझ लो इधर ही ट्राई करते हैं देखो अपन को केवल डायग्राम बनाना है इस इंटरवल में फाइव बाई टू से थ्री बाय टू कोस का डायग्राम तो माइनस आप वैल्यू इधर आती है वन इधर आती है ये कह कहना दोनों की बिटवीन वैल्यू आनी चाहिए तो ये वाला पोर्शन आ गया तो ये पोर्शन कितना हो गया कोस की वैल्यू माइनस आप कब आती है

फोर्थ ऑप्शन फिल करना है। सेवेंटीन क्वेश्चन क्या थ्री अल्फा आ गया तो ये पूछ रहा है कि बताओ मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ तो सबसे पहले काम करते हैं सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट रूट की बात करते हैं तो सम रूट तो आ गया फोर अल्फा इक्वल टू 4a तो बेटा से अल्फा इक्वल टू क्या गए फिर बारी आती है प्रोडक्ट ऑफ रूट तो इन दोनों का मल्टीप्लाई किया जाएगा 3 अल्फा स्क्वायर इक्वल टू एफ ऑफ ए एफ ऑफ ए प्लस ए अल्फा की जगह रिप्लेस कर दो तो ये ए में क्या बनेगी क्वाड्रेटिक दिस इज थ्री ए स्क्वायर माइनस ए माइनस एफ ऑफ ए जीरो ए कोई भी रियल नंबर है तो हम इसका डी ले सॉरी इसका डी क्या करेंगे ग्रेटर इक्वल टू जीरो D का मतलब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी तो क्या जाएगा वन माइनस फोर ए की जगह थ्री c की जगह माइनस एफ ऑफ ए तो प्लस एफ ऑफ ए जीरो तो इससे आ गया एफ ऑफ ए इक्वल टू माइनस के वन बाई टू तो एफ ऑफ ए की मिनी वैल्यू क्या होगी माइनस के वन बाई ट तो इसका फोर्थ ऑप्शन आपको फिल करना है हाँ एटीन क्वेश्चन देखो ये भी ठीक क्वेश्चन है नंबर ऑफ इंटीगल्स एन सच दैट देशन दिस पार्ट हैजेशनल रूट ओनली इस क्वार्टिक के रूट कैसे ओनली रेशनल रूट है तो होता होन की पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है और वो भी इंटीजियर वैल्यू बतानी है आपको ध्यान में तो देखो ध्यान देना सभी एन ऑलरेडी इंटीजियर है तो इसके कॉफिशन तो क्या इंटीजर और अगर आपसे पूछे कि इसके रूट रेशनल नंबर है तो उसका डी क्या चाहिए परफेक्ट स्क्वार तो अपन इसका डी चेक करके इसको क्या करेंगे परफेक्ट स्क्वायर तो देखो तो 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 उसका डी आ रहा है बी स्क्वायर माइनस फोर मतलब n प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस फोर एन इन प्लस टू इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर दें अपन तो इसका डी आ गया इधर से एन स्क्वायर आएगा जैसे माइनस के फोर स्क्वायर तो यह जाएगा माइनस के थ्री एन स्क्वायर इससे आने वाला माइनस एट एन तो माइनस के सिक्स एन प्लस वन देखो एक काम करो डी को क्या बनाना परफेक्ट स्क्वायर उससे पहले एक काम ये करते हैं अगर इसके रूटनल हो या कैसे भी हो इसका डी गटन इक्वल टू करो जीरो पहले बाकी बात बाद में करेंगे तो डी ग्रेन जीरो करने पर जाएगा थ्री एन स्क्वायर मैंने सीधा माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया इसको इसको थ्री से डिवाइड करो एन की वैल्यू लेके आनी है अपन को अब काम करो वन एड करो वन सब बन गया एन प्लस वन का मोड लेस तो मोड एक्स लेस देन, तो देन तो एक्स तो की वैल्यू माइनस ए से तो डायरेक्टली पता चले गया कि जो एन है वो लाइज बिटवीन टू बाई रूट थ्री से माइनस वन सॉरी टू बाई रूट थ्री से माइनस वन और इधर आ जाएगा माइनस टू बाई रूट थ्री से माइनस टू बाई रूट थ्री की बेलू क्या होगी वन पॉइंट समथिंग तो वन माइनस करने पे जाएगा पॉइंट जो भी है इधर माइनस के टू पॉइंट समथिंग तो इसके बीच में देखो कौन कौन से इंटीजर है माइनस टू माइनस वन जीरो जीरो माइनस वन तो अपने काम करते हैं भाई सीधी बात है एन को जीरो माइनस वन माइनस टू लोगे तो इसके रूट्स कहेंगे रियल अब रूट्स रियल है तो उनको क्या चेक करना रेशनल होने चाहिए तो आप एक काम करें इन वैल्यूज को डायरेक्ट इसमें पुट कर दो देखो ध्यान दे सभी इनको पुट करने पर डी क्या आना चाहिए परफेक्ट स्क्वायर तो एन को जीरो डी आ रहा है वन परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है तो इसके रूट्स कहेंगे रेशनल एन को माइनस वन लेने पर माइनस थ्री प्लस सिक्स प्लस सेवन एन को माइनस वन लेने पे डी आ गया फोर ये भी परफेक्ट स्क्वायर है और माइनस टू लेने पे क्या गया 12 और वन थर्टीन माइनस बारह तो एन को माइनस टू लेने पे दोबारा बारह वन आ गया तो देखो इन तीनों वैल्यू पे जो डी है वो क्या परफेक्ट स्क्वायर तो इसके बहुत रूट्स सर रेशनल नंबर तो देन आपको नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एन तो इसका थ्री मतलब फोर्थ ऑप्शन फिल करना है हाँ उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इफ दी क्वार्टिक इक्वेशन एक क्वार्टिक तो ये है। और एक ये है है और एक यह कॉमन रूट इनका एक रूट कॉमन है देन ए प्लस फोर प्लस फोर सी। अब देखो इसका एक रूट कॉमन है तो आप कॉमन रूट की कंडीशन लगा सकते हो इसमें देखो ऑब्जर्वेशन से क्या करना है देखो ए का कोफिशिएंट तो बना रहा है और बी और सी काफिन फूरा रहा है तो ध्यान देना सभी आप इस इक्वेशन में x की जगह पुट करो 1/2 तो देखो x को 1/2 लेने पे आ रहा है a/4 प्लस ओनली c प्लस b 0 मैंने वैसे ही सेटिस्फाई करा दी कि x को 1 लेने पे क्या हो रहा है तो ये आ गया 4b 4c प्लस a equal to 0 सिमिलरली x को आप इसमें जब रिप्लेस करोगे बाकी प्रॉपर मेथड है आप लगाओ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कौन मना कर रहा है इसमें भी ये होने वाला है ए वाई फोर प्लस बी प्लस सी जीरो तो इससे आगे ए प्लस फोर बी प्लस फोर सी क्या मीनिंग है एक्स इक्वल टू हाफ रखने पे, वो दोनों कंडीशनों से सेम दोनों इक्वेशन में पुट करने पे सेम कंडीशन आ रही है इसका मतलब एक्स इक्वल टू हाफ इनका क्या कॉमन रूट है तो देन इसकी वैल्यू फिर क्या हो सकती है जीरो तो देन इसका आपको थर्ड ऑप्शन फिल करना है ठीक है बाई ऑब्जर्वेशन से ज्यादा बेटर है वन रूट कॉमन से भी कर सकते हैं

हाँ, उसके बाद देखो सेक्शन बी क्या क्वेश्चन है ध्यान दो अल्फा बीटा इस क्वार्टिक के रूट है और गामा डेल्टा इस क्वार्टिक के रूट है और Q तो आपको इस एक्सप्रेशन की क्या बतानी नहीं तो ध्यान दें देखो उसको मल्टीप्लाई करो पहले तो क्या आ जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस एल्फा डेल्टा माइनस एल्फा गामा तो अल्फा कॉमन लेने पर आ गया तो गामा प्लस डेल्टा और प्लस आ जाएगा गामा डेल्टा अपन में क्या होगा बीटा स्क्वायर माइनस बीटा गामा प्लस डेल्टा प्लस अभी काम करते हैं अपन गामा प्लस डेल्टा गामा डेल्टा के मल्टीप्लाई की वैल्यू पुट करते हैं तो गामा प्लस डेल्टा तो आ गया माइनस के पी और गामा डेल्टा आ गया आर तो ये रिप्लेसमेंट लगाने के बाद कुछ ना जाएगा एल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस आर और न्यूमीटर में आ गया सो so डिनोमीटर में बीटा स्क्वायर माइनस तो अल्फा गामा माइनस पी तो प्लस के पी बीटा प्लस के आर ये पी है अपने काम करते हैं इन दोनों की वैल्यू रिप्लेस कर सकते हैं कैसे

और ये कब होगा जब एक, वन टू से अब बेस बना दे। तो एक काम करते हैं इस फोर को लिखेंगे टू तो, तो मल्टीप्लाई तो में, में आएगा तो अपन इसको पावर में शिफ्ट कर देते हैं और इक्वल टू में आ गया टू फिर लॉ गए अपने बी को लॉगे माइनस लॉग बी लॉगे माइनस लॉग बी को लॉगे अपन बी तो आ गया लॉग ऑफ बेस में टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन अपोन में आ जाएगा टू एक्स माइनस वन का स्क्वायर इक्वल टू टू को शिफ्ट करने पे फोर आ जाएगा तो finally क्या बन जाएगी क्वेश्चन दे सभी टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू फोर टाइम्स स्क्वायरिंग ओपन कर दो फोर एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस के फोर ऑफ एक्स तो फोर से मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा सिक्सटीन एक्स स्क्वायर कर तो क्या बन जाएगा फोर्टीन एक्स का स्क्वायर उसके बाद माइनस सिक्सटीन एक्स माइनस एक्स माइनस के देखो एक्स प्लस फोर प्लस वन थ्री जीरो फैक्टर क्या करोगे फोर्टीन एक्स और माइनस थ्री एक्स तो बन जाएगा फोर्टीन एक्स स्क्वाइनस के फोर्टीन एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो एक्स जैसे ही आप कॉमन जाएगा x माइनस तो तो वन और माइनस थ्री कॉमन लेनेटर है तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ये गलत आंसर ये डोमेन से बाहर चला गया तो इसने पूछा नंबर ऑफ सोल्यूशन तो इसका आपको वन आंसर फिल करना टू नहीं करना क्वेश्चन ट्वेंटी थ्री देखो एक्सप्रेशन एक कौर्ट, वाई क्वार्ट पोलिनोम है, हैज रिमाइंडर फोर एक्स प्लस डिवाइडेड बाय दिस पार्ट क्या को बोला गया क्वेश्चन जान दो एक पोलिनोमलम है आपको ए एक्स की पावर फोर बी एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री इसको आपने किससे डिवाइड किया तो इसके रिमाइंडर बोला गया फोर एक्स प्लस थ्री तो देखो तो तो कैसे करते हैं को आपने इस पार्ट से डिवाइड किया गया तो आप एक काम करो इसको जीरो करो तो इससे की टू वैल्यूज मिलेगी आपको एक वन और एक माइनस टू तो रिमाइंडर क्या होगा एक्स की वैल्यू को पुट कर दो उसमें तो एक्स की वैल्यू पुट करने पे जो रिमाइंडर है वो इसके इक्वल हो जाएगा तो इसमें भी एक्स को वन रख दो तो एक्स को वन लेने पर ए प्लस बी माइनस वन प्लस टू प्लस थ्री और अपोन में क्या आ गया इक्वल टू सेवन एक्स को भी रिप्लेस करना क्योंकि रिमाइंडर फोर एक्स प्लस थ्री के इक्वल बोला गया तो इससे आगे बेटा ए प्लस बी थ्री फाइव एक कम करो फोर तो थ्री ए प्लस बी आपका थ्री आ गया ऐसे ही जब आप एक्स की वैल्यू को माइनस टू सेकेंड में पुट करोगे दोबारा पुट करोगे तो उससे क्या मिलेगा उससे भी सेम आंसर मिलेगा ध्यान देना

तो देखो सबसे पहले काम करो T टी वैल्यू रिप्लेस करते हैं आर एस स्क्वास स्क्वास एस इक्वल टू के माइनस सी बाई टू हम देखो सब कुछ ओनली वन सोल्यूशन है एक ही पेर आर एस ठीक है तो एक काम करो इसको अपन एक काम करते हैं आर में क्वार्ट मान लेते हैं

बन जाएगा चलो एक बार दोबारा लिखते हैं इसको ये मल्टीप्लाई करने पे आ गया वन माइनस फोर एक्स स्क्स एक्स प्लस टू के माइनस सिक्स प्लस टू तु, टू के माइनस सिक्स तो उधर शिफ्ट करने पे आ जाएगा राइट साइड में फोर एक्स स्क्वार फोर एक्स एक प्लस फाइव माइनस टू के जीरो रियल है Only one solution, तो इसका दोबारा डी जीरो कर दो तो डी को जीरो करने पे क्या जाएगा कैंसिल हो गया तो कितना बच जाएगा वन माइनस फाइव माइनस फोर प्लस टू के इक्वल टू जीरो जाएगा टू आंसर बनना है मतलब के की वैल्यू जब टू लोगे ना तो इससे आपको आर एस टी का केवल एक ही पेयर मिलेगा ये इसका मतलब है क्वेश्चन ट्वेंटी फाइव देखो नंबर ऑफ डिस्टिट रियल सोल्यूशन इस इक्वेशन के बताने नंबर ऑफ रियल डिस्टिट सोल्यूशन देखो कैसे करने जानते देखो तो ये फॉर्मेट लग रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वा हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वार को लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी देखते उसके बाद क्या बेनिफिट होगा दिस इज ए दिस बी तो इसको लिखेंगे ए प्लस बी का और स्क्वायर माइनस टू बी तो आ गया एक्स प्लस एक्स अपॉन ए प्लस बी बीका माइनस टू दोनों का मल्टीप्लाई अब ध्यान दे सभी इसका एलसी लेने पे क्या गया टू एक्स ये भी ये बन गया टू एक्स अपॉन सॉरी एक्स स्क्वायर अपोन एक्स माइनस वन का स्क्वायर माइनस टू आई एस ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वन माइनस एट जीरो सिंपल लग रहा है, इसका तो हुआ। है सेम है तो इसको टी मान लो आप तो क्वेश्चन क्या रहेगा टी स्क्वायर माइनस टू ऑफ टी माइनस एट जीरो तो फैक्टर क्या होंगे टी माइनस फोर इन टी प्लस टू जीरो तो इससे दो वैल्यू मिली टी की एक तो टी आ गया फोर एक टी आ गया माइनस की टू टी का मतलब है एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वन इक्वल टू माइनस टू ऐसे इधर पट करने पे एक्स स्क्वायर अपॉन तो इसको लेके आवगित किया जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर इक्वल टू जीरो

माइनस वन तो आपको बताना है इसकी वैल्यू क्या होगी देखो तो कैसे करना है क्वेश्चन को देखो तो एक तो सिंपल वे क्या ध्यान देना अपन को इस डिनोमिनेटर को रिमूव करना है अल्फा की पावर 13 प्लस बीटा की पावर 13 तो अपन ट्राई करेंगे न्यूमिरेटर में भी अल्फा की पावर 13 प्लस बीटा की पावर 13 लाने की मतलब इस पावर को तो इंगेज करना और इस पावर को रिड्यूस करना है तो ध्यान देना सभी एल्फा की पावर इलेवन प्लस बीटा की पावर एक काम करो इस पावर को इनक्रीज करना है तो अपने एक काम करते वन की जगह रख देते माइनस अल्फा बीटा या वन की जगह सॉरी तो इसको लिख देना माइनस वन का स्क्वायर क्योंकि अल्फा स्क्वायर आने पे थर्टीन बन जाएगा माइनस वन की वैल्यू रखने पे केवल अल्फा बनेगा अल्फा की पावर ट्वेल्व लेकिन थर्टीन आनी है तो आप इसकी जगह रख दो एल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर डेनोटर वाला पार्ट एज इज इसको बाद में तो ये क्वेश्चन क्या रह गया अल्फा की पावर फिफ्टीन प्लस बीटा की पावर फिफ्टीन प्लस अल्फा की पावर थर्टीन बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा की पावर टू बीटा की पावर थर्टीन अब ध्यान दो अब इन दोनों में कॉमन लो थर्टीन तो अल्फा की पावर थर्टीन कॉमन लेने पे ये आ गया है

आपका ये एक्सप्रेशन बच गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और अल्फा स्क्वायर स्क्वायर बीटा को लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस के टू अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइव है तो ट्वेंटी फाइव अल्फा बीटा माइनस वन तो प्लस टू तो क्या आंसर जाएगा ट्वेंटी सेवन आंसर आपको इसका फिल करना है। देखो नंबर ऑफ फॉर्म ऑफ दिस पार्ट मतलब इस क्यूबिक टाइप की कितनी पोलिन हो सकती है विच आर डिजेबल प्लस वन, जो का प्लस वन से डिविजेबल हो और एबीसी तो जो क्यूबिक है आपकी एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, बट ये आपकी इससे डिविजेबल है तो इसका रिमाइंडर जीरो हो होगा तो इससे एक्स की वैल्यू मिलेगी आपको प्लस माइनस आयोटा तब अब एक्स की वैल्यू आयोटा पुट कर दो तो रिमाइंडर जीरो बन जाए तो जाएगा तो आ जाएगा आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा माइनस ए प्लस बी आयोटा प्लस सी जीरो तो रियल को रियल से कंपेयर कर दे इमेजिनरी को इमेजिनरी से तो जैसे ही ये काम करोगे आप तो आयोटा को आयोटा से कंपेयर करने पे बी तो आ गया वन और ए इक्वल टू क्या गया सी तो बी की वैल्यू तो फिक्स्ड है वन लेनी लेनी है बी की जगह तो वन फिल करना है और A और सी दोनों इक्वल है तो या तो दोनों को वन लोगे या दोनों को टू लोगे या दोनों को थ्री तो टोटल कितने पेयर बनेंगे इसके ओनली टेन ही पेयर बनेंगे क्या बनेंगे टेन पेयर तो टोटल टेन क्वार टेन पोलिनोम इक्वेशन अपन से बना सकते ट्वेंटी एट क्वेश्चन देखो ये अच्छा क्वेश्चन है प्रोडक्ट ऑफ अनकॉमन रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस पार्ट एंड दिस पार्ट इज इन दोनों क्वेश्चनों के जो अनकॉमन रियल रूट है उनका प्रोडक्ट बताना है तो देखो इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है एक तरीका तो क्या है दो ऑप्शन है मैं पहले तो एक सिंपल तरीका बताता हूं आपको देखो हिट एंड से कर सकते हो तो बहुत अच्छा बेटर ऑप्शन है ये जो आपकी सेकंड इक्वेशन है इसको देखो x इक्वल क्या कर रहा है सेटिस्फाई देखो ये आ गया माइनस एट प्लस

प्लस फिफ्टीन माइनस के सिक्स लो ये भी जीरो तो जैसे आप एक्स प्लस टू से डिवाइड करोगे तो इसका एक क्वाटिक फैक्टर मिल जाएगा आपको एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स आप लिख लेना मैं डायरेक्ट लिख दूंगा ये इसके दो फैक्टर आ चुके सिमिलरली एक्स स्क्वाइनस थ्री को इससे डिवाइड करना तो इससे भी आने वाला है एक्स स्क्वायर माइनस थ्री इन एज इट इज तो देखो इससे क्या समझ में आ रहा है आपको ये फैक्टर दोनों में कॉमन है तो ये दोनों रूट तो क्या है दोनों में कॉमन है तो 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 ये हटाओ इसके अनकॉमन रूट ये होंगे सेकंड क्यूबिक है उसका तो अनकॉमन रूट आ गया माइनस टू और फर्स्ट इक्वेशन का अनकॉमन रूट एक तो आ गया रूट थ्री एक आ गया माइनस के रूट थ्री तो इसने पूछा अनकॉमन रूट का प्रोडक्ट तो इनका प्रोडक्ट क्या जाएगा सिक्स आंसर आपको इसका बनना ठीक है सिंपल ऑप्शन है सेकेंड मेथड क्या है वो भी इसी टाइप का थोड़ा आप एक काम करो एक्स को अल्फा लेट करो और अल्फा की दोनों पुट करके क्या करो इनको सेपरेट करो मेरे अकॉर्डिंग क्या करना आप को पुट करने पे इसको से मल्टीप्लाई करके माइनस करोगे तो अल्फा फोर कैंसिल हो जाएगा फिर क्या करोगे आप अल्फा क्यूब को एलिमिनेट करोगे जब ये दोनों काम करोगे तो आपको एक रिलेशन मिलेगा अल्फा स्क्वायर प्लस ये लो. और अब एक काम करना इसका इसमें डिवीजन कर देना तो उसका एक रूट हो जाएगा माइनस के टू और इसमें डिवीजन करोगे तो इसके रूट ये आएंगे दोनों तो बात सेम ही है कैसे भी कर सकते हो तो हिटन टेल वाला मेथड ज्यादा ऑप्शन है हां नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये भी एक बेहतरीन क्वेश्चन है इसको ऑब्जर्वेशन से करना है ये लॉग की क्वेश्चन सोल्व करनी है इसमें खास बात क्या ध्यान दो दोनों लॉग का बेस अनइक्वल है तो पर इसको मैथमेटिकली सोल्व नहीं कर सकते मतलब थोड़ा लॉजिकली सोचना है एक ऑप्शन तो क्या इसका बनाओ डायग्राम एल एच एस का डायग्राम बनाओ आरएचएस का दोनों के डायग्राम जितने पॉइंट पे क्या करते हैं इंटरसेट उतनी क्या होंगे नंबर ऑफ आप डायग्राम बनाना भी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बना है। सकते हैं सोच समझ के और या फिर क्या करो आप एल एच एस आरएचएस की रेंज से चेक करो तो ध्यान देना क्वेश्चन में ऑलरेडी एक्स पॉजिटिव बट ये लिखना भूल जाता है तो अपन देख लेंगे क्योंकि डोमेन की कंडीशन से एक्स पॉजिटिव ही आएगा सीधी बात है तो देखो एक्स पॉजिटिव है तो ये वैल्यू हमेशा होगी थ्री ग्रेटर इसका बेस है, तो बेस भी वन से ग्रेटर है नंबर भी वन से ग्रेटर है, तो ये वैल्यू ऑलवेज आपकी पॉजिटिव होगी क्या होगी नंबर तो आ गया टू और टू से ग्रेटर बट इसका बेस वन बाई थ्री है, है तो बेस तो वन से लेस है, है। और नंबर वन से ग्रेटर है तो लॉक की वैल्यू कैसी आती नेगेटिव तो ये वाला पार्ट हमेशा कैसा आएगा

टू एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स प्लस वन ये क्यूबिक फंक्शन है ये कह रहा है कि डबल एफ एक्स इक्वल टू जीरो के, कितने रूट तो 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 करना है देखो तो सबसे पहले एक काम करो हम इसका बनाएंगे डायग्राम अब ये मत करना कि डबल एफ एक्स लिखने बैठ जाओ ये तो फाइनल है डबल एफ एक्स लिखने का मतलब है ये पावर नाइन में बनेगी इक्वेशन तो इसके मैक्सिमम नाइन रूट हो सकते हैं जिसने पूछा है नंबर ऑफ रियल रूट्स तो कैसे करना है इसका एवरेज सेक्स आ रहा है सिक्स सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस मतलब छ कोम लेने पे इसका लोकल मिनिमम आ जाएगा वन और माइनस वन पे तो देखो एफ ऑफ वन की वैल्यू तो आ रही है इसमें टू वन थ्री माइनस सिक्स माइनस के थ्री और पहलवानो एफ ऑफ माइनस वन की वैल्यू आ रही है प्लस के फाइव तो देखो इसका एक बार डायग्राम रोकते हैं अपन माइनस वन एंड वन क्यूबिक है वन माइनस वन पे वैल्यू फाइव और इस पे माइनस एग्जैक्ट डायग्राम ऐसे बनेगा और जीरो पे वैल्यू क्या लेनी है वन अब ऐसे समझो ये इसके कितने रूट हो सकते हैं मैक्सिमम रूट नाइन हो सकते हैं तो ध्यान दो लेट मान लिया लेट हमने मान लिया कि लेट इसका एक रूट एक्स इक्वल टू अल्फा है तो अल्फा इसको क्या करेगा एफ ऑफ एफ ऑफ अल्फाइक् टू जीरो अब दोबारा सुनो हमने क्या किया एफ ऑफ अल्फा को बीटा मान ली समझाने के लिए लिखी देते ना एफ ऑफ अल्फा बीटा तो इससे आ गया एफ ऑफ बीटा जीरो अब देखो ये जो एफेक्ट्स है ये बीटा पे जीरो आ रहा था देखो तो बीटा की वैल्यू क्या हो सकती है एक रूट तो आ गया, गया जीरो से वन हा ध्यान देना इसमें टू लेने पे वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो एक रूट वन से टू आ गया और माइनस टू लेने पे वैल्यू नेगेटिव आएगी तो एक रूट आ गया मतलब बीटा की तीन वैल्यू है एक तो बीटा आ गया माइनस टू से माइनस वन अगला बीटा जीरो से वन होगा और नेक्स्ट बीटा वन से टू आएगा बात बताओ अल्फा की वैल्यू बतानी है एफ ऑफ अल्फा बीटा है। एफ ऑफ अलग है अल्फाइट है तो एफ एक्स इक्वल टू बीटा बीटा बिलोंगिंग टू थ्री पार्ट्स तो अगर बीटा की वैल्यू वन से टू लोगे ध्यान देना सभी अगर बीटा की वैल्यू वन से टू है एफ ऑफ बीटा एफ ऑफ अल्फा वन से टू तो वन से टू की लाइन बनेगी इधर वन से टू में इधर आ रहा होगा तो लाइन कितनी बार बार कट करेगी मतलब जैसे आप ऐसे मानो ना अब बीटा की जगह थी मान ली तो एफ ऑफ अल्फा थ्री तो थ्री के अकॉर्डिंग लाइन ड्रो दो कर दोगे अल्टीमेटली आपको एल एच एस आर एच एस का डायग्राम ड्रो करना है दोनों के डायग्राम जितना कट करेंगे उतने क्या होंगे नंबर ऑफ सोल्यूशन ऐसे जीरो से मान लोगे तो जीरो से बढ़ोगा तो अभी तीन सोल्यूशन और माइनस टू से माइनस वन क्योंकि माइनस फाइव है तो ये वैल्यू भी आपकी इधर आ रही है तो कितने आंसर आएंगे इसके थ्री आंसर आएंगे हर केस में इसके थ्री आंसर है तो सारे के सारे सोल्यूशन क्या होंगे रियल तो इसका आपको नाइन आंसर बेटा फिल करना ठीक है चलो थैंक यू